हेलो स्टूडेंट्स हेल्दे गुड नॉन टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग चलिए सभी लोग ऐड हो जाइए जितना जल्दी हो सके ताकि हम लोग सीजीएल के सेट थर्टी पर आगे बढ़ें सीजीएल का दौर चल रहा है और सीजीएल के दौर में जैसा कि आप लोगों को खुशखबरी मिल रही होगी कि क्वेश्चन सीधे सीधे पैटर्न पर आ रहे हैं जो पैटर्न आपको बताए जा रहे हैं जो डिस्कशन हुए हैं उस डिस्कशन से डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए हैं और ये हम लोगों के डिस्कशन की बड़ी एक उपलब्धि है चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं थोड़ा सा अटेंडेंस देख लेते हैं क्योंकि कल अटेंडेंस नहीं देखे थे नीतीश कुमार ऑफिशियल गुड नून सर लिख रहे हैं पुष्कर मिश्रा प्रणाम सर जी लिख रहे हैं प्रियांशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर जी मुकेश कुमार पांडे हैं आफ्टरनून लिख रहे हैं लवली कुमार आफ्टरनून लिख रही है कवि सिंह हैं नीतीश कुमार ऑफिशियल हैं कुमार राज कल के तरह रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है सर आज आज ध्यान रखा जाए कि रिकॉर्डिंग कल मेरा आप कहीं बाहर जाना था इसलिए आप लोगों का क्लास बंक न हो तो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो और वो बेहतर चीज़ है इसलिए दिए थे आप लोगों के लिए आज लाइव हैं सर लिखे हैं अभिषेक सिंह हैं रोहित कुमार लिख रहे हैं सर तेरह को मेरा एग्ज़ाम था पूरा बोकैब आपके नोट से था थैंक यू कंग्रेचुलेसन्स इन एडवांस फॉर योर रिजल्ट बिल्कुल तैयारी करें आगे मेंस पेपर की यदि मेरे सब्जेक्ट से अगर रुकना होगा तो ये असंभव है कि रिजल्ट रुकेगा आपको जो आप लोग नोट्स तैयारी करते हैं जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे आदमी को झेलना भी इतना आसान काम नहीं है लेकिन आप झेल रहे हैं इसका मतलब कि आपका रिजल्ट होगा अभिषेक सिंह लिख रहे हैं हेलो सर आई एम अभिषेक चलिए ठीक है थैंक यू बाबू ऑफिशियल राधे भाई लिख रहे हैं राधे राधे सर जी आर्यन गुड आफ्टरनून सर लिख रहे हैं प्रियांशु कुमार लिख रहे हैं सी में आपका पढ़ाया हुआ था चलिए ठीक है थैंक यू साढ़े चार के बैच वाले अभिषेक हैं सर हाँ ठीक है थैंक यू बाबू आगे बढ़ते हैं सी में क्लोज टेस्ट ईजी आया था बिल्कुल सब कुछ ईजी ही होगा कहाँ है घबराते हैं आप रोशन कुमार लिख रहे हैं आफ्टरनून सर जी सर आपका अंदाज़ ही अलग है आर्यन लिख रहे हैं चलिए ठीक है थैंक यू प्रियांशु कुमार गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं रोहित कुमार बस आपकी कृपा था पूरा भो रटवाया था आपने हाँ चलिए वो तो हमेशा रहेगा सर आपका अंदाज ही अलग है चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं आलोक कुमार सिंह लिख रहे हैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम चलिए थोड़ा सा शुरुआत में ही सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका एरर का क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है कॉमन एरर्स में जो ये बात कर रहा है थोड़ा सा उसको विचारिएगा कॉमन एरर्स में ये बोल रहा है कि आवर प्रोफेसर प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया है हमें बताया है क्या दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन देखिए ये कह रहा है क्या कि आवर प्रोफेसर टॉटस मेन क्लोज किस में दिया पास में इसके बाद कनेक्टर के रूप में कौन ऐड किया दैट युद्ध किया बस उसी तरह बढ़ा जिस तरह बढ़ता है तो आगे हम दैट ऐड कर दिए अब वन यहाँ सब्जेक्ट बनाया और देखिए यहाँ मेन क्लोज पास में हो तो सपोर्ट सबोर्डिनेट में भी सेल का पास यूज किया तो यह भी पॉइंट गलत नहीं है अब वन शुड रिस्पेक्ट शूड के बाद वी वन भी सही है हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए द रिलीजन ऑफ अदर्स दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज मच एज हीज ऑन यहीं पर गलती फंस गया ध्यान रखा जाए कि यदि कहीं वन का प्रयोग वन का प्रयोग यदि हम दो तरह से करते हैं पहला तो वन का प्रयोग यदि हम सिंगल के अर्थ में करें एक के अर्थ में करें गिनती में यदि एक बात करें तो प्रोनाउन फॉर्म में जब भी हम यूज करते हैं तो वन का ऐसे इस, इस स्थिति में स्ट्रक्चर हमेशा वन प्लस ऑफ होता है वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक वन ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से एक वन ऑफ द टीचर्स शिक्षकों में से एक वन ऑफ अस हम लोगों में से एक वन ऑफ यू आप लोगों में से एक यानी वन ऑफ का प्रयोग करते हैं जब इस अवस्था में बात करते हैं तो इसके लिए पर्सनल फॉर्म ही सी इट ग्रुप का प्रयोग होता है यानी इज हर इट्स का प्रयोग करते हैं कब जब वन प्लस ऑफ का संरचना हो परंतु याद रहे कि इंडेफिनिट और पर्सनल फॉर्म दोनों पर फॉर्म में यह पढ़ा जाता है एक दूसरा भी वन है जो कि एनी एनीबॉडी के सेंस में यूज़ भी यूज किया जाता कोई भी हर कोई ऐसा सेंस में भी वन यूज करते जब इवरीबी एनी बॉडी के सेंस में वन यूज करते तो याद रखें कि इनका संरचना वन प्लस वर्ब का होता है वन के तुरंत बाद वह आने लगे तो समझिएगा कि ऐसी स्थिति में वन एवरी बडी के सेंस में हो और इस स्थिति में इसका यदि पोसेशन अगर आए तो वन का पोसेशन वंस यूज किया जाता है अब देखिएगा कि वन शुड रिस्पेक्ट तुरंत बाद वब है इसका मतलब कि यह एवरी बडी के सेंस में यूज किया गया है कि हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए उतना ही दूसरों के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि वो अपना कर रहा है तो यहाँ वन का प्रसेशन में हीज नहीं बल्कि वंश का प्रयोग होना चाहिए यहाँ हिज के जगह पर वंश करेंगे आंसर नंबर सी आशा करते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आलोक कुमार सिंह लिख रहे हैं हीज के जगह पर वंश होगा हाँ चलिए बढ़िया है नेक्स्ट पहला सेकंड क्वेश्चन ही आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कीजिएगाविंग लो स्टीम लो सेल्फ स्टीम वुड मीन दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट और वैल्यू योर सेल्फ हाइली आत्मविश्वास की कमी का मतलब ही यह होता है कि आप अपने आप का सम्मान नहीं करते या अपनी कीमत ढंग से पहचानते नहीं ध्यान दिया जाए हैविंग लो सेल्फ स्टीम अगर अपने आप में आत्मविश्वास की कमी है आत्मबल की कमी है इसका मतलब यह है कि आप अपना सम्मान नहीं करते अपना महत्व तो नहीं जानते चलिए ये एक तरह से ये इंट्रोडक्शन हो सकता है लो स्टीम का मतलब समझा रहा है तो इंट्रोडक्शन हो सकता फिर भी आगे देखते हैं यू मे बी मोर लाइकली टू बिलीव अदर पीपल्स नेगेटिव कमेंट्स rather देन ट्रस्ट योर own ओपिनियंस हो सकता है ऐसा कि आप दूसरा कोई व्यक्ति आप पर नेगेटिव कमेंट्स कर दिया तो उस पर आपको भरोसा ज्यादा हो जाए और अपने आप पर जो विश्वास है वो भरोसा कम हो बहुत सारे लोगों के साथ ये नेगेटिविटी होती है कि दूसरे के कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देता है बस अर्थे की अपने बारे में और अपना प्लानिंग पर ज्यादा नहीं सोचता तो यदि आपको पर कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे दिया तो वही दिमाग में हमेशा चल रहा है बस कि अपनी स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास You, if you feel like this, आप इस तरह का फीलिंग रखते हैं अबाउट योर सेल्फ यू विल नॉट फील इन कंट्रोल एंड नेगेटिविटी में टेक होल्ड अफ यू यदि इस तरह का सोच आपका है तो कराए क्या कि यू विल नॉट फील इन कंट्रोल आप संयमित नहीं रह सकते और नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी योर कॉन्फिडेंस में भी लो ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है एंड सो यू विल नॉट बिलीव इन योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल और आपको विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि मैं इस कभी सफल हो पाऊंगा पूरा का पूरा आत्मविश्वास रिलेटेड पैसेज दे रहा है अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि स्टार्टर तो पी हमारा मिल गया था करें कि सेल्फ स्टीम लो सेल्फ स्टीम का मतलब ही है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या अपना महत्व तो अपने को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और यदि आपको इस तरह का फीलिंग है लाइक दिस ये फीलिंग दे रहा है तरह का आपको फीलिंग है अपने बारे में तो समझिएगा कि आप कंट्रोल में नहीं है और नेगेटिविटी आप पर हावी हो सकती है यानी पी के बाद क्या निकला आर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए नेगेटिविटी आप पर हावी हो सकती है आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है और हो सकता है कि आपको अपने क्षमता पर विश्वास ही ना हो कि आप सफल होंगे ये भी हो सकता है फिर आगे देखिए ये भी हो सकता है कि दूसरों के नेगेटिविटी आपको ज़्यादा प्रभावी नजर आने लगे दूसरों का नेगेटिव कमेंट्स आप पर ज़्यादा प्रभावी होने लगे आपके अपने ओपिनियन के बदौल वदवल... के तुलना में तो यहाँ पी आर का कॉम्बिनेशन फिर एस का कॉम्बिनेशन पी आर एकमात्र ऑप्शन में आपके पास कहां है यही है आंसर नंबर ए होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं ध्यान दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं फिलर्स का बात करते हैं थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि फील इन ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव सही अल्टरनेटिव वरना है थोड़ा सा विचार करें क्या होगा सावधान हो सपोर्टर्स बिगैन टू एंड सी वॉज लेफ्ट अलोन सी वॉज लेफ्ट अलोन और वो अकेली बच गई हर सपोर्टर्स बिगैन टू क्या है शुरू कर दिए उनके सपोर्टर्स तो देखिए फॉलोवर का अर्थ होता है गिरना गिरना फकना अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए फॉल अवे का अर्थ क्या होता है दूर हो जाना भाग जाना छितरा जाना याद हो जाए अलग होना अलग होना दूर होना फॉल ऑफ ये भी होता है गिरना गिरावट होना आंकड़े में दायरे आदि आदि में यदि गिरावट हो तो फॉल ऑफ होता है याद रखा जाए कि गिरावट होना ऐसे फॉल ऑफ टकराना भी होता है एक फ्रेज है अच्छा फॉल ऑन का अर्थ होता है टूट पड़ना दुश्मन पर टूट पड़ना स्थिति परिस्थिति पर बिल्कुल जीतोड़ लग जाना टूट पड़ने के सेंस में फॉल ऑन का प्रयोग किया जाता अब बताया जाए मेरे भाया कराए कि हर सपोर्टर्स टू एंड सी वॉज लेफ्ट एलोन और वो अकेली बच गई इसका मतलब है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं जो उसके सपोर्टर्स हैं उससे दूर हटते गए और वो अकेली बच गई यही स्टेटमेंट यहां सटीक बैठ रहा तो बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए फॉल अवे ही होगा कि उसके सपोर्टर्स अलग होते गए दूर होते गए और वो अकेली बच गई आंसर नंबर बी होना चाहिए आशा करते हैं है, है। थोड़ा सा सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए शेयर कर दीजिए सभी लोग लाइक कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए ताकि हम लोग संख्या बल के साथ आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए ध्यान दिया जाए इंप्रूवमेंट का बात कर रहा है नो अदर स्नेक इज मोर पॉइजनस एज वन कि कोई भी कोई भी सांप उतना जहरीला नहीं है जितना कि यह वाला नो अदर स्नेक ध्यान रख दिया जाए कभी भी याद रखिएगा ऑर्डर के बारे में ऑर्डर एक्सक्लूजन का फॉर्मूला देता है एक्सक्लूशन का बात करता है डिग्री चैप्टर में एक फार्मूला है एक्सक्लूशन का एक्सक्लूजन तो का फॉर्मूला यह बताता है कि जब किसी चीज का किसी अन्य से तुलना किया जाए तो उसको उसके प्रजात से अलग कर दिया जाता यह आयज़ एज के तुलना में अदर यूज होता है और नहीं तो कंपेरेटिव स्ट्रक्चर के साथ एनी अदर ऑल अदर मोस्ट अदर ऐसा यूज किया जाता है यानी एनी ऑल और मोस्ट के साथ एक्सक्लूजन का अदर यूज किया जाता एक बात और दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा अदर वर्ड कभी गलती से भी सुपरलेटिव स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देता है एक बहुत बड़ा बात यहां बोल रहा हूं थोड़ा सा विचारिए अदर वर्ड जो है वो कभी भी गलती से भी सुपरलेटिव स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देता या तो एज एज से नहीं तो अगर कंपेरेटिव स्ट्रक्चर से बात करें तो वहां एक्सक्लूजन आ सकता अन्यथा बाकी कहीं एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लागू नहीं होता अब नो अदर स्नेक ये तो चलेगा कोई अन्य स्नेक इज मोर

जब कभी एज एज का तुलना राम इज एज स्मार्ट एज श्याम ऐसा तुलना हो तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामर के टर्म में इसको सिमली कंपेरि कम्परे, कंपेरिजन कहा जाता अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यहां पर कि इज मोर देन दिस वन। पर इज मोर पॉइजनस हो सकता है लेकिन जब नो अदर वर्ड, ये दोनों ऑप्शन सेंस दे, दे सकता है लेकिन याद रखा जाए कि जब नो आदर आ जाए तो इस स्थिति में नो अदर के साथ सिमिली कंपैरिजन ही यूज किया जाता है कि एज या सो एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव फॉर्म प्लस एज का प्रयोग किया जाता नो अदर बज स्मार्ट एज राम कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं है कोई भी अन्य लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि राम यानी नो अदर के साथ एज एज का कंपेरिजन यूज करते अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू सीधे सीधे आपका आंसर बी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं ध्यान दें। थोड़ा सा विचार कीजिएगा परफिडियस वर्ड है परफिडियस वर्ड है इसका हमें चुनना क्या है तो सिनोनिम चुनना है सिमिलर वर्ड चुनना मेरे भाया थोड़ा सा दिमाग लगाया मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया मुद्दे पर जब आया तो आपको यह बताया कि परफिडियस जो वर्ड है यह धोखेबाज के लिए यूज किया जाता है कॉपटी के रूप में यूज करते हैं छाली के रूप में यूज करते हैं जो व्यक्ति जो व्यक्ति सत्य न बोलता है मतलब आपसे छल करता है झूठ बोलता है गद्दारी करता है आप सबसे बढ़िया वर्ड इसके लिए यूज करें गद्दार। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं यदि मुद्दा कब आता है विगड़ का अर्थ हो क्या है तो ऊर्जा ऊर्जा होता है जोश होता है याद रखा जाए आप जानते होंगे विगरस वर्ड होता है जोश ऊर्जा बहुत बढ़िया एक आजकल कमेंट चला था कुछ दिन पहले हाउ इज द जोश हाई सर चलिए आगे बढ़ता हूं आपसे भी पूछता हूं कि सीजीएल के दौर में हाउ इज द जोश आई थिंक यू मस्ट से हाई सर आगे बढ़ता हूं डिसलोयल का सेंस क्या है बाबू तो ये भी तो हो गया धोखेबाज धोखेबाज कहें गद्दार कहें हां वफादार हो गया लोयल और यदि मैं कहूं इसका मतलब कि वो गद्दार है वफाहीन है धोखेबाज है बॉन्डेज का अर्थ होता है संबंध गठबंधन तो ध्यान रखा जाए कि बॉन्डेज का अर्थ बंधन भी होता है वही बात बद कर रहे हैं थोड़ा सा विचार कीजिएगा बॉन्डेज मतलब बंधन गठबंधन संबंध रिलिंक्विस का अर्थ क्या है बाबू त्यागना है छोड़ना है याद रखा जाए चलिए अब बात आगे करते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं बोलिए आंसर क्या होना चाहिए तो बी डिसल का प्रयोग होना चाहिए टॉपिक नंबर नेक्स्ट फेसबुक पर भी बहुत लोग कह रहे हैं अभिषेक कुमार लिख रहे हैं एम एस डी लव यू गुरु जी बी सिंह राजपूत लिख रहे हैं सर पूरा टाइम वर्ड ले, ले लेते हैं सर अच्छा सर मेरा रूम पार्टनर वार्ड के कारण क्लास नहीं जाता है अभी ना आइए क्या दिक्कत है चलिए आगे बढ़ता हूं हा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखा जाए कि फिर आ गया हमारा क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का दिस इज द सेम वेदर दिस इज लगा दिया शुरू में ही यह बिल्कुल वैसा ही वेदर है इसका मतलब क्या है बाबू इसका मतलब यह है कि दिस का प्रयोग किए हैं तो यह इंट्रोडक्टरी तो नहीं हो सकता दिस का प्रयोग कब करेंगे जब पहले किसी अन्य चीज का कोई चर्चा किए होंगे तो उसके बारे में हम फिर चर्चा करने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा विचार कीजिएगा दिस इज द सेम वेदर यू आर एट वर्क और इन योर पर्सनल लाइफ या वैसा ही मौसम है जैसा आप अपने काम पर लगे हों और पर्सनल लाइफ में हो मतलब कि आप ही के अनुकूल है फिर कह रहा है कि रिलेशनशिप्स आर इजी अंटिल देयर इज एन इमोशनल टर्मोइल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं जब तक कि टर्माइल का अर्थ होता है उपद्रव याद रखा जाए कह कि रिलेशन बहुत अच्छे चीज़ होते हैं आपके संबंधी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं जब तक कि कुछ इमोशनल अत्याचार उसमें ना हो जाए मतलब कि कहने का मतलब गड़बड़ी ना हो जाए तो देखिए ये रिलेशनस आर ईजी अनटिल ये इंट्रोडक्ट्री हो सकता है ये उसका एक्सप्लान सॉरी एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि रिलेशनशिप जो होते हैं, हैं जब तक कि इमोशनल टर्माइल ना हो वेन यू कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड ऑफ वॉट यू थिंक जब आप अपने सोचने का जो रवैया है वो यदि चेंज करते हैं यू कैन चेंज योर इमोशंस तो आप अपना इमोशन भी बदल सकते हैं एंड सीव द इमोशनल क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप और तब अपने रिलेशनशिप का जो इमोशनल क्वालिटी है उसको भी बदल सकते हैं ध्यान दिया जाए वेन यू कैन चेंज द इमोशंस इन योर रिलेशनशिप जब आप रिलेशनशिप को चेंज कर देते हैं इमोशन सॉरी यू कैन चेंज द इमोशंस इन योर रिलेशनशिप जब अपने आप रिलेशनशिप में इमोशन को चेंज करते हैं यू ओपन अप एंटायरली न्यू पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ तो आप अपने जीवन में नए नए संभावना को उजागर करते हैं देखिए स्टार्टर निकला कोई दिक्कत नहीं आ एक चीज देखिए आपको मिलेगा बहुत बढ़िया चीज यहां कह रहा है यहां पर वेन यू कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड यू वॉट यू थिंक यू कैन चेंज योर इमोशंस एंड शिफ्ट द इमोशनल क्वालिटी इन योर रिलेशनशिप उसे शिफ्ट कर सकते हैं आप इमोशन चेंज कर सकते हैं जब आप इमोशन चेंज कर सकते हैं मतलब कि आर के साथ एस लगा रहा है आ कि जब आप इमोशन चेंज कर सकते हैं अपने रिलेशंस में तो आप पूरा संभावना है कि अपना जीवन भी चेंज कर लेंगे तो यानी कंडीशन यहां से बनाया इसके लिए आर एस का भी कम्बिनेशन है क्यू से स्टार्टर क्यू से स्टार्टर तो दो गो मिला इसके बाद आर एस कहा मिल रहा है तो ये हो गया आरपी नहीं आर एस यही आंसर होगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कोई ऑफिशियल है वर्ड याद करके भूल जाता हूं अच्छा चलिए सही है चलिए आगे बढ़ता हूं पीयूष कुमार सर आपसे पिटाकर भकबलरी ठीक हुआ है ग्लोब भी जीता हूं सर सब प्राइज जीता हूँ 2017-18 बैच में चलिए ठीक है थैंक यू सर वर्ड याद करके भूल जाता हूँ प्लीज सजेशन अच्छा आप यदि वर्ड याद करके भूल जाते हैं तो एकमात्र तरीका है एकमात्र तरीका है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और चुपचाप भूलने का सब कुछ आदत डाल लें ये भी भूल जाइए कि जीवन में कभी ज्वाइनिंग भी होगा आगे बढ़ते क्या तरीका है रिवीजन तरीका है पढ़ाई तरीका है टाइम उसमें डेडिकेट करें ये तरीका है और दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है क्वेश्चन पर काम करें ये तरीका है मैं आरती उतारने वाला कोई बात किसी को नहीं बोलता ध्यान रखिएगा बात हाँ कॉमन का अगला पॉइंट जरा से देखिएगा ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रीडम भारत का जो आजादी के लिए स्ट्रगल है उसके उसके दौरान मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कई जाने मैं, 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 सॉरी कई ब्रिलियंट छात्र तेज तर्रार छात्र गेव देर स्टडीज ऑन भगत सिंह कॉल थोड़ा सा ध्यान रखा जाए जरा सा ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आजादी का जो स्ट्रगल था जद्दोजहद था उसके दौरान आजादी की लड़ाई के दौरान मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट सही है यह भी सही है gave their studies on भगत सिंह कॉल भगत सिंह के कॉल पर अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तो देखिए यहीं पर गेम फस गया स्टडीज गिव मतलब तो प्रदान करना होता आ यहाँ पर बात कर रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए उनके कॉल पर तो यहां पर गेव अप का प्रयोग होना चाहिए याद रखा जाए का अर्थ होता है छोड़ना त्यागना अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए गेव अप देयर स्टडीज वे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए आंसर नंबर सी होना चाहिए आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉपिक नंबर नेक्स्ट एक सूचना भी दे रहा हूं अगले 21 तारीख तक सीजियल का एग्जाम चल रहा है अगले 21 तारीख तक सीजियल का एग्जाम चल रहा है अतः अगले सप्ताह तक मतलब कि 21 तारीख के रेंज तक जितने सेट अभी चलेंगे सब सीजियल ही चलेंगे सीजीएल का बढ़िया विस्तारा जब बन जाएगा तो हम लोग सी एच एस एल और एम टी एस दोनों पर लगातार रहेंगे बीच बीच में बैंक भी डालता रहूंगा कोई पवन शर्मा लिख रहे हैं कि सी एच एस एल सर कवर करा दो जरूर कराएंगे जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको सुनिए इक्कीस तारीख तक सीजियल है तो सीजियल का सहर्ष स्वागत करें हम लोग और आज तारीख भी पंद्रह हो गया पंद्रह तारीख है फिर मंडे से यदि बात कर रहे हैं तो सोलह सत्रह 18 से तो 18, उन्नीस बीस इक्कीस चार दिन सीजीएल चल जाने दीजिए पांचवे दिन से हम क्या करेंगे कि उसके बाद से सी और एम यही दोनों रह जाएगा आशा करते हैं कॉन्सेप्ट कोई राजा राज लिख रहे हैं सर आपका ऑनलाइन फाउंडेशन बैच नहीं है नहीं लॉकडाउन में था और फिर ऑफलाइन हो गया है और आएगा तो आपको सूचना जरूर मिल जाएगी शन प्रो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हो सकता है जल्दी आ जाए तो मिल जाए आपको आगे बढ़ता हूं चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे थोड़ा सा विचार कीजिएगा अगला वर्ड है ऑपजिट मीनिंग लिखना है बाबू ऑपोजिट मीनिंग लिखना है बेबल का बेबल का अर्थ होता है हो हल्ला कोलाहल अब बताया जाए कि यदि हो हल्ला बेबल है कोलाहल है तो ईमानदारी से बता मेरे भैया हम बात रहे हैं, कर रहे हैं कोलाहल का हो हल्ला का तो हमको एंटोनिम चुनना है ऑब्जेक्ट मीनिंग चुनना है एंटोनिम्स क्या होना चाहिए लेनिएंट का अर्थ लापरवाह होता है लापरवाह होता है ढीला डाला होता है अब चाहे वो दिमाग का ढीला ढाला हो या जैसा हो अच्छा साइलेंस का अर्थ क्या है बाबू तो चुप्पी के रूप में यूज किया जाएगा शांति के रूप में यूज किया जाएगा एक्स्ट्रागेंट कौन है तो खर्चीला बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला फिजुल, फिजुल खर्ची करने वाला उसको एक्स्ट्रा कहते हैं तो ये कौन है फिजुल खर्ची ज्यादा खर्च करने वाला ज्यादा खर्च करने वाला आगे होस्टाइल का अर्थ कौन है बाबू तो प्रतिद्वंदी है दुश्मन है उसको होस्टाइल कहा जाता हो स्टिलिटी का ही अर्थ होता है दुश्मनी तो याद रखा जाए कि हो होस्टाइल मतलब दुश्मनी दुश्मन या प्रतिद्वंदी के रूप में यूज करें अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए बाबू निश्चित रूप से आंसर आपका होना चाहिए साइलेंस चलिए बी ऑप्शन निकल गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट आइटम फ्रिज का क्वेश्चन है थोड़ा सा विचार कीजिए कह रहा है क्या कि टू कजल वंस ब्रेन्स बहुत आसान फ्रेज है यह टू कजल वंस ऐसे भी आप लोग देखते होंगे कि लोग दिमाग पर अगर अंगुली फिराने लगते हाथ फिराने लगते तो वो विचारों में खो जाते मतलब ये है मतलब ये है याद रखा जाए कि यहां दिमाग पर जोर डालने के सेंस में यूज किया जा रहा है दिमाग पर जोर डालना मंथन करना कोई चीज़ अगर याद नहीं आ रहा है तो उसको याद करने के लिए अगर कहीं आप दिमाग पर जोर डालते स्ट्रेस डालते कहीं विचारों में खो जाते ऐसी स्थिति को क्रस्ट द ब्रेन, ब्रेन कहा जाता है अब थोड़ा सा विचार किया जाए टू तो थिंक हार्ड चलेगा बिल्कुल चलेगा टू तो कील बाई शूटिंग इन द हेट ऐसा नहीं है मैनिपुलेट किसी चीज़ को घुमाना या, या बढ़ाना नहीं अपोज ए होना चाहिए आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉपिक नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा विचारिएगा सिमिलर वर्ड हम लोगों को चुनना है ध्यान दिया जाए अपरिसन वर्ड है भूत प्रेत जो होते हैं मृत आत्माओं को अपेरिसन बोला जाता है याद रखा जाए तो ऐसी स्थिति में सिमिलर वर्ड चुनना है ये भूत प्रेत हैं आत्मा को क्या कहा जाता है अपेरिसन अब बताया जाए थोड़ा सा विचार कीजिएगा यदि हम अपेरिसन का बात कर रहे हैं तो अवार्ड मतलब तो इनाम हो गया करेक्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है सही अस्पिरिट ये आत्मा हो सकता है ये भूत प्रेत हो सकते हैं रेवेंज, रेवेंज का अर्थ होता है बदला प्रतिशोध के रूप में यूज करते ध्यान दीजिएगा अवेंज या टेक रिवेंज दोनों पर विचार कीजिएगा अवेंज का अर्थ होता है बदला लेना और नहीं तो टेक रिवेंज होता है कहीं ऐसा नहीं करे कि रिवेंज का प्रयोग वर्ब के रूप में कर दे तो गलत माना जाएगा रिवेंज नाउन के रूप में होता है अवेंज जो होता है होता है वो वर्ब के रूप में है तो या तो अवेंज वर्ड यूज कीजिए के रूप में और नहीं तो टेक रिवेंज के रूप में यूज कीजिए दोनों में से जो एडजस्ट कीजिए सही माना जाएगा बोलिए आंसर क्या होना चाहिए स्पिरिट होना चाहिए सी आंसर होगा टॉपिक नंबर नेक्स्ट सबका सी जवाब जा रहा है प्रियांशु कुमार सी लिख रहे हैं दीपू कुमार सी स्पिरिट लिख रहे हैं मोनी कुमार का टेन का सी है कौशल किशोर का भी सी है चलिए ठीक है प्रियांशु कुमार सी है कोई खान सर ऑफिशियल हैं ये लिख रहे हैं किस आधार पर बाबू रवि यदवंशी लिख रहे हैं सी दीपू कुमार सी धनंजय कुमार उपाध्याय का सी है इसके बाद अच्छा राज गुड्डू सी लिख रहे कवि सिंह सी है इसके बाद कालमशीस सी लिख रहे हैं हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। थोड़ा सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए आप लोग हम लोग सही जा रहे हैं अभी तक भी सही है संख्या बल और तगड़ा हो जाए कोई मिथिलेश कुमार मधेपुरा से हैं वो भी सी लिख रहे हैं रोहन कुमार सी लिख रहे हैं चलिए सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए चलिए आइए फिलर्स में बात करते हैं सानिया वाज कंपेंसेटेड कंपेन्से का अर्थ होता है हर जाना देना क्षतिपूर्ति करना सानिया को हर जाना दिया गया द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट बिलोंगिंग्स का अर्थ होता है सामग्री उनका सामग्री जो एयरपोर्ट पर खो गया उसके लिए उस सानिया को हर जाना देना पड़ा एक बात बताया जाए कभी भी किसी चीज को हर जाना किसी को हर जाना दीजिएगा तो कम्पनसेट फॉर होता है कोई चीज अगर क्षति होगी उसके लिए हर जाना दिया जाता तो कंपेंसेट हिन एनी हाउ अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेगा फॉर होना चाहिए बोलिए आंसर क्या होना चाहिए नो डाउट आंसर आपका ए होगा इसमें तो कोई शक नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात मार नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं ध्यान दिया जाए कड़ा है कि ब्रोक प्रीशियंस हेड यह भी फ्रेज है आप लोगों के लिए ही यह फ्रेज बना है बहुत बढ़िया ब्रोक प्रीशियंस हेड फ्रेज है जिसका हिंदी होता है भाषा की टांग तोड़ना अब समझ गए होंगे हम क्यों बोल रहे हैं तो यह सेंस है भाषा की टांग तोड़ना टांग तोड़ना अनुचित भाषा का प्रयोग करना भाषा का प्रयोग करना अब देखिए टू यूज बैड ग्रामर चलेगा एकदम बिल्कुल सही है टू क्वारल क्वारल का मतलब हो गया झगड़ा करना तो झगड़ा करने का तो यहां सेंस नहीं है बिल्कुल नहीं टू हॉट विथ ग्रीफ यानी दुखी होना यह भी सेंस नहीं है आगे टू पुट एंड एन टू जी नहीं आंसर नंबर ए होना चाहिए आशा करते हैं क्लियर है टॉपिक नंबर नेक्स्ट सिमिलर वर्ड जरा सा ध्यान दीजिए पोलेमिक वर्ड है जिसको हम वाद विवाद के रूप में यूज करते हैं वाद विवाद कहें किसी से तोड़ मोड़ ले दे जो कहिए मतलब ये कहिए दलील करना बहस करने के सेंस में यूज करते हाँ वाद विवाद या बहस आर्गुमेंटेटिव ये भी तो हो गया दलील अच्छा ऑन माइंडफुल लापरवाह के सेंस में लापरवाह शब्द ना कहिए बेपरवाह के सेंस में कहिए बेपरवाह ब्रिलियंट तो आप लोग हैं ही पार्डन क्षमा क्षमा करना बोलिए आंसर क्या होना चाहिए ब्रिलियंट आप तेज जानते होंगे बोलिए आंसर क्या होगा तो ए होना चाहिए next question पर बात कर रहे हैं, Topic number, next. आप लोगों को share करने को बोले थे कि सभी लोग शेयर करें सभी लोग शेयर करें मनु यादव लिख रहे हैं गुड डे सर चलिए ठीक है थैंक यू बाबू सभी लोग शेयर करिए कीजिए थोड़ा एक उड़ान हम लोग बढ़ जाए इसके बाद आगे बढ़ते हैं चलिए अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है थोड़ा सा विचार कीजिएगा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है हमको एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन बनाना है थोड़ा सा विचार करें कि क्या पूछ रहा है आवर इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च हैज लॉन्च ए न्यू स्कॉलरशिप स्कीम यहीं पर खे, खेल खत्म कर दीजिए ए न्यू स्कॉलरशिप स्कीम है तो हैज के बाद बीन लगा दीजिए और हैज बीन लॉन्च्ड Has been launched. बताया जाए कि क्या होना चाहिए हैज been launched. ए न्यू स्कॉलरशिप स्कीम हैज been launched. चलेगा यहां वाज लॉन्च्ड नहीं चलेगा यहां क्या है बाबू तो हैड बीन नहीं चलेगा यहां क्या है तो हेड लॉन्च नहीं चलेगा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए निकलना चाहिए टू द पॉइंट केवल बी फॉर्म प्लस भी थ्री पहचान लीजिए और उसको ऐड करते जाइए वही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट ध्यान दे है क्या क्यों ओडब्ल्यू एस का क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा विचार कीजिएगा टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट पिस्टिंग कर आए क्या आ कि तेजी से टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना या सड़कना भागना उसको क्या कहा जाता टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई सड़के भागे उसको क्या कहा जाए थोड़ा सा विचार किसी लिंप का अर्थ क्या है बाबू तो लंगड़ाना लिंप का अर्थ होता है लिंपिंग का अर्थ होता है लंगड़ाहट लंगड़ा कर चलना ऑस्ट्रॉल का अर्थ क्या होता है ध्यान दे तो चहल कदमी करना चहल कदमी करना स्ट्रॉलिंग होता ध्यान दें रीगल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा चाल चलना ध्यान रखा जाए कि टेढ़ा मेढ़ा चाल चलना होता है रीगल टेढ़ा मेढ़ा चाल चलना या सरकना चा, अस्ट्राइट क्या है बाबू तो लंबा लंबा कदम से बढ़ना यानी लंबे लंबे कदम से तेज भागने को अस्ट्राइट कहा जाता लंबा लंबा कदम से चलना अब बताया जाए कि आंसर क्या होना चाहिए तो नो no डाउट आपका रीगल आंसर होना चाहिए सी पर बात करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट ऑपजिट मीनिंग है थोड़ा सा विचार करें आर्केन वर्ड है आर्केन का अर्थ होता है वैसा बात जो बहुत कम लोगों को जानकारी हो अप्रचलित कह सकते हैं आप बहुत बढ़िया सेंस में अप्रचलित कहें अप्र चलित वर्ड कहें या कुछ लोगों को ही मालूम होना मालूम होना आप साफ साफ कहें जो कि पॉपुलर ना हो कोई चीज यानी आप इसे गुप्त शब्द तो ना कहें हाँ प्रचलित ही सही वर्ड है इसके लिए हिंदी में अब देखिए पब्लिक का सेंस क्या हो गया यह तो हो गया प्रचलित उजागर डार्क बराबर अंधेरा गुप्त भी हो सकता इ का अर्थ होता है जो बच कर निकलना चाहे मतलब यह है कि जो बच के निकलने वाला कहें या सेंस ये कहें मायावी के सेंस में भी यूज कर सकते बच कर निकलने वाला टालने वाला सेक्रेट क्या है बाबू तो रहस्यमय के रूप में यूज करते बोलिए रहस्य हो गया बोलिए आंसर क्या होना चाहिए तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा पब्लिक होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मीनिंग का बात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा विचार कीजिएगा इंप्रूवमेंट है देखिए कि क्या है हिज आर्गुमेंट आर्गुमेंट जानते होंगे अभी अभी तो वर्ड था बहस दलील बहस या दलील हिज अपोनेंट अपने खिलाफ ड्यूली ब्रॉट जीअर्स फ्रॉम द क्राउड ध्यान दिया जाए कि जीयर्स का अर्थ होता है उपहास उपहास का कारण बना तो आर्गुमेंट अगेंस्ट हिज अपोनेंट ध्यान रखा जाए सॉरी जियर से यहां उपहास नहीं है हाँ उपहास के अपमान कहें अब इनवेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि गाली गलज गलत वचन प्रेज का अर्थ क्या है बाबू तो तारीफ या प्रशंसा कंट्रोवर्सी का सेंस हो गया विवाद अब देखिएगा कि ही इज अगेंस्ट हीज अपोनेंट देखिए अपने अपोनेंट के खिलाफ वो आर्गुमेंट अगेंस्ट तो हो सकता है चलेगा लेकिन वो कराए कि अपमान का कारण बना तो वो क्या होगा तो गाली गलौज ही होना चाहिए बुरा शब्द ही होना चाहिए नहीं इन्वेक्टिव होना चाहिए ध्यान रखा जाए कि जो अपने अपोनेंट के खिलाफ वो गलत शब्द का प्रयोग किया वही उसके फ्रॉम द क्राउड करे क्राउड के से यानी क्राउड ने उसका उसका अपमान कर दिया उसके लिए तो आंसर नंबर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं हा ओडब्ल्यू एस का क्वेश्चन जरा सा देखा जाए करे कि पुट ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम भविष्य के लिए कोई चीज को स्थगित कर देना पुट ऑफ का प्रयोग होता है स्थगित करना अभी अभी एक चीज आया था याद करें देखिए पुट ऑफ मतलब स्थगित करना पुट आउट होता है आगे आदि आदि को बुझाने के लिए यूज किया जाता अच्छा कोडिफाई का अर्थ क्या है संहिता बनाना संहिता बनाना नियमों में ढालना नियमों में ढालना रेटिसेंट होता है बाबू अल्पभाषी कम बोलने वाला प्रोक्रास्टिनेट वर्ड होता है देर करना टाल मटोल करना टालना प्रोक्रास्टिनेट होता है देर करना या टालना अच्छा रिटेलिएट क्या होता है तो मुंहतोड़ जवाब मुंहतोड़ जवाब जैसा को तैसा अब बता मेरे भाया आंसर क्या होना चाहिए नो no डाउट आपका आंसर प्रोक्रास्टिनेट होना चाहिए सी आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा विचार कीजिएगा इसको सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम तो काव्या टोल्ड मी चलेगा दैट आई काव्या के लिए हो जाएगा सी आ वॉज वेटिंग हो जाएगा हैड विन वेटिंग नरेशन का बात वेटिंग फॉर और यू हो गया किसके लिए तो मी के लिए फॉर मी आ तब हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम अब देखिए काव्या टोल्ड मी दैट ही हैड विन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम चलिए काव्या हो सकता है व्यक्ति का भी नाम हो ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है काव्या हैड टोल्ड नहीं होगा काव्या टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर क्या ये दोनों ऑप्शन एक ही है क्या काव्या टोल्ड मी दैट ओ नहीं इसमें दैट नहीं है बिल्कुल नहीं होगा यह इसमें बिना ऑब्जेक्ट का टोल लगाया नहीं होगा आंसर सीधे ए होना चाहिए आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नॉलेज विथ फन लिख रहे हैं अब तक सेट इजी लगा सर आज अच्छा इधर प्रिंस सिंह राजपूत लिख रहे हैं कि स्मार्ट लग रहे हैं सर लग रहे हैं इसका मतलब है नहीं आ, लगता तो वो है जो होता नहीं सर बट काव्या के लिए सी होगा ना अब इसका क्यों काव्या काव्य भी हो सकता है ना कुछ भी नाम हो सकता है चलिए आगे बढ़ता हूं हाँ ऑपजिट मीनिंग चुनना है जरा सा ध्यान दीजिए वर्चुअल आप जानते होंगे वर्चुअल का सेंस क्या हो गया आ, आप यदि वर्चुअल वर्ड को देख रहे हैं तो ये काल्पनिक बोल सकते हैं बिल्कुल यही नहीं आप यदि वह वर्चुअल शब्द को ऐड करोगे तो और भी बहुत कुछ नज़र आएगा ध्यान दिया जाए कि अभी आप लोग वर्चुअल क्लास कर रहे हैं आप सभी आभासी जो वर्ड जानते होंगे सुभाष कुमार लिख रहे हैं सर मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती आप ही कुछ बताएं सर कैसे मैं पढूं देखिए ना समझ में आना इसका कारण क्या है हमको ये पता चल गया ना कि रोग हमारा क्या है तो रोग जो हमारा समझ में आ गया कि रोग है कि समझ में नहीं आता तो इलाज क्या है तो इलाज उसका मेडिसिन यह है आ कि आप वर्ड का तैयारी बेहतर करें ग्रामर की तैयारी करें वर्ड वन वर्ड सब्स्यूशन फ्रेज ग्रामर का तैयारी करें और उसके बाद से प्रैक्टिस में लग जाइए सब समझ में आने लगेगा तो यदि आपको लगता है आ कि रोग पकड़ा गया है पकड़ा गया रोग क्या है तो नो डाउट बिना कुछ सोचे आप क्या करें उस रोग के निदान पर लग जाइए आसान हो जाएगा सर आज क्लास होंगे साढ़े चार बजे हाँ नहीं? पंकज कुमार कर रहे हैं। सर आप मेरा कमेंट पढ़िए क्लोज टेस्ट न बनता है अच्छा क्लोज टेस्ट न बनने का कारण यह है कि लगातार क्लोज टेस्ट पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप क्लोज टेस्ट एक ऐसा है जो पूरे आपके ग्रामर के समझ को वर्ड का जानकारी चूंकि ऑप्शन वर्ड बेस्ट भी होता है ग्रामर बेस्ट भी होता है और लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन कितना है तीनों पर आधारित होता है तो लगातार छोटा छोटा कॉलम लेकर बजाइए तब आगे बढ़ने लगेगा सर आप पढ़ने का ट्रिक गजब बताते हैं सर जी अच्छा चलिए ठीक है थैंक यू कुमार राज लिख रहे हैं बार बार पढ़े भाई मेरा भी ऐसा ही था पहले रवि यदवंशी लिख रहे हैं चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूँ मिस्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर क्या है जी हरिओम पटेल आज क्लास होगा हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूँ हमारा अच्छा सेंटर जवाब दिया है चलिए ध्यान दिया जाए कौशल किशोर लिख रहे हैं गुरुजी हम आपके 2014 बैच के स्टूडेंट हैं चलिए ठीक है थैंक यू अच्छा लगा हाँ, वर्चुअल का अर्थ क्या होता है बाबू आभासी कह सकते हो ना आभासी कह सकते हो अवास्तविक कह सकते हो चलो फंडामेंटल का अर्थ क्या हो गया मौलिक इंप्लाइड हाँ, हा लागू या अंतर्निहित अंतर्निहित इनडायरेक्ट भी वही सेंस आ गया हा ऑथेंटिक असली वास्तविक बोलिए आंसर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए जदि ऑपजिट मीनिंग में होगा तो वर्चुअल का एंटो डी होना चाहिए आगे बढ़ता हूँ क्या कर रहे हैं कि सुभाष कुमार थैंक यू सर मैं आपका क्लास जरूर ज्वाइन करूंगा घर से ही मैं बहुत पढ़ूंगा चाहिए जो भी हो आपसे इंग्लिश सीखूंगा लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता इसलिए मैं डर गया था डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लगे रहिए सेट बनाइए जब रोग पता चला तो रोग को निदान कीजिए चलिए आगे बढ़ता हूँ अच्छा बैंकिंग का भी सेट करवाइएगा सर के के आर मैथमेटिक्स लिख रहा है हाँ बिल्कुल कराएंगे क्यों नहीं बैंकिंग का सेट चलता है अभी सी का एग्जाम है इसलिए उसको रोका गया है एस एस पर जोर है थोड़ा सा एग्जाम का दौर गुजरेगा बैंकिंग चालू हो जाएगा आगे बढ़ता हूँ अविनाश झा भी लिख रहे हैं सर प्लीज बैंकिंग का भी सेट करवाइए हाँ एकदम अपडेट करेंगे बहुत जल्द अपडेट करेंगे आप लोग 10-15 दिन पेशेंस रखिए क्योंकि थोड़ा सा सी निकल जाने दीजिए आ जाइए टेस्ट में आ गए हैं ड्रीम्स सपना एम्बिशंस महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा पैशं जोश नेसेसिटीज आवश्यकता इंश्योर सुनिश्चित करना रिजल्ट तो सही है डेवलप सही है इनलार्ज बड़ा करना चलिए देखिए िटीज एंड आर नेवर गोइंग टू ड्रूस जीवन की प्राथमिकताएं और क्या ऐसा चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होने जा रही कम नहीं होने जा रही तो ड्रीम्स तो सेंस नहीं है एम्बिशंस प्रायोरिटीज के साथ क्या हम वर्ड यूज करें तो बेहतर वर्ड होगा नेसेसिटीज कि जीवन की प्राथमिकताएं और जीवन की आवश्यकताएं जीवन भर खत्म होने वाली नहीं है ध्यान दिया जाए ऑप्शन क्या होगा आज तो हमारा डी हो गया फिर कह रहा है क्या बट अमंग ऑल ऑफ देम लेकिन इन सब में मेक सम टाइम सम टाइम फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरमेंट यू लिव इन कह रहा है कि लेकिन इन सब में कुछ आप ये समय जो है अपना सुनिश्चित करें टाइम सुनिश्चित करें अपने इन्वायरमेंट के लिए जहां आप रह रहे हैं तो वहां इंश्योर होना चाहिए आप कुछ समय निकालिए इंश्योर कीजिए द वेल बीइंग ऑफ द इन्वायरमेंट यू लिव इन जिस माहौल में रहते हैं उसके उत्थान के लिए कुछ काम कीजिए टू सेव आवर इन्वायरमेंट हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए लाइफ चेंज लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इफ एनी थिंग इज रिक्वायर्ड दैट इज विल पावर अच्छा कर हमारे इनवायरमेंट को सेव करने के लिए कोई बड़ा चीज की जरूरत नहीं है नो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इफ एनी थिंग इज रिक्वायर्ड यदि जरूरत है नो हो गया यदि किसी चीज की जरूरत है यहां बोला है कि चेंजिंग मोमेंट इज रिक्वायर्ड यदि किसी चीज की जरूरत है दैट इज विल पावर तो जरूरत है किसकी विल पावर की ऑनेस्ट ऑनेस्ट के बाद देखिए कमा नहीं है इसका मतलब है कि नाउन होना चाहिए अश्योरेंस का मतलब क्या है आश्वासन फैक्टर तो ठीक है हाँ मुद्दा तथ्य वर्किंग इनक्लाइनेशन रुझान लगाव प्रयास हाँ प्रयत्न भी हो सकता है कंट्राडिक्टरी विवाद विवादास्पद प्रीसियस बहुमूल्य हेल्दी स्वस्थ बल्कि भारी भरकम देखिएगा ऑनेस्ट करे की जरूरत है किस चीज का तो विल पावर का ऑनेस्ट इंक्लाइनेशन का ईमानदारी से प्रयत्न की जरूरत है एंड सम्मीशिएटिव और कुछ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है सेव आवर इन्वायरमेंट बाई बी अरेस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने इन्वायरमेंट को बचाइए कैसे तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर रेस्पॉन्सिबल नागरिक बनकर जिम्मेदार नागरिक बनकर टीच योर चाइल्ड एंड अदर्स टू सेव वाटर अपने बच्चों को अपने आ, आ, और भी संबंधियों को बाकी लोगों को बताइए कि पानी को का बचत करें डू नॉट वेस्ट वाटर पानी को बर्बाद न करें इट इज़ अ वेरी एलिमेंट ऑफ आवर एन्वायरमेंट तो प्रीसियस होना चाहिए ये एक बहुत बहुमूल्य एलिमेंट है हमारे पर्यावरण का आशा करते हैं जवाब क्लियर होगा सबको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आशा है कि आप लोगों को सेट पसंद आया होगा अगले क्लास में मंडे को मिल रहे हैं सी के ही सेट के साथ थैंक यू आप सभी को बेस्ट ऑफ लक